एक अच्छा सवाल, अभी कल ही डिस्कस हो रहा था किसी एक बड़े महफिल में, डिस्कस हो रहा था कि भाई आजकल तो फैशन है निकाह के बारे में, मदीने में निकाह किए, बड़े जोर से बोलते हैं मेरे बच्चे का निकाह सरकार के दामन में किया हूं, हाँ सरकार के दामन में किया हूं, मदीने में मस्जिद नबवी में। एक तो याद रखो, मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में निकाह की परमिशन नहीं, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं है, छुप छुप के कोने में बैठ के जो है जल्दी जल्दी निकाह पढ़ा के भागते हैं, हाँ उसके बाद होटल में जाके बड़े शान से दावतें कर लेते हैं। एक तो ये, नबी के जमाने में कितने निकाह मस्जिद नबवी में हुआ बोले मिलता है? अभी एक निकाह का देखिए, क्या नबी ने मस्जिद नबवी में कराया? जहां बैठे थे वहीं करा दिए। पहली बात, मस्जिद में निकाह करना ही कोई खैर बरकत का काम नहीं है। मस्जिद में निकाह करने आ रहे हैं, उसके बाद जब मस्जिद की बेहुरमती हो रही है, यहां पर मस्जिद की बेहुरमती हो रही है, और हरमाइन शरीफाइन में आज तक भी कोई निकाह नहीं होता है, वो छुप छुप के कर लेते हैं। सऊदी में जो लोग रहे हैं भाई, आपने देखा है कभी हरमाइन शरीफाइन में निकाह है? वहां के मस्जिदों में निकाह देखा है? बाकायदा जो निकाह के हाल है, सेंटर्स है, शादी मन, वहीं पर निकाह होते हैं। ये हमारे जो है ये सब कॉन्टिनेंट है ना, ये जरा शरीफा है, सब जो है ये शरीफ है ना, इन शरीफों में बहुत शराफत ज्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, हम जरा और ये हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है। अब वो होते होते मस्जिद से जाकर मदीने में, हरम में, मक्के में, मक्के से ज्यादा मदीना, सरकार के दामन में किए हैं निकाह ना, तो ये करते। याद रखिए, ये सब बेकार की बातें हैं, खामा खामे खर्चा है। हाँ आप उम्रे की नीयत से जा रहे जाओ, लेकिन बायकायदा यहां से दफ्तर लेके जाना, अलग अलग मसले, 50 लोग जा रहे हैं, इतने सारे ये कर रहे हैं, गलत है, बेकार के फजूल है भाई। उससे बेहतर है गरीब बच्चियों के निकाह करा दो, आपने एक निकाह में जितना खर्चा किया 50 गरीब की बच्चियों का निकाह हो जाएगा उसमें, ये करो उसमें ज्यादा सवाब है। बिल्कुल मदीने में निकाह कोई खैर बरकत का काम नहीं है, मदीने में वफात आ जाए ये खैर बरकत वाली बात है। हाँ मदीने की वफात अच्छी बात है, लेकिन मदीने में जाके निकाह करना कोई खैर बरकत का काम नहीं है।